हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में खास क्या है, क्या बताने वाला हूं, आइए समझ लेते हैं एक बार। देखिए, यहां पर रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, और यहां पर कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स है, जिनका टोटल यहां पर किया गया है और एवरेज यहां निकाला गया है। समस्या ये है कि यहां पर हमने बना रखा है ड्रॉप डाउन, ठीक है, और आपको ये बताना चाहता हूं कि वैलिडेशन लगाने के फायदे क्या है। यहां पर ड्रॉप डाउन बनाया, इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो अगर मैं यहां पर राम सेलेक्ट करता हूं तो राम ये एक्सेप्ट कर जाएगा, और फिर यहां पर श्याम सेलेक्ट करूंगा, श्याम एक्सेप्ट कर जाएगा। इसी तरीके से जो भी इसमें से मैं नाम सेलेक्ट करता हूं, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो, वो एक्सेप्ट कर जाएगा। लेकिन क्या इसमें मैं कोई नाम यहां पर एंटर कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा रामू, RAMU, तो तुरंत ये प्रॉब्लम आएगा और लिखा हुआ है क्लिक एंड एंटर अ चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, लिखा हुआ आ रहा है ना। यानी कि जब भी आप वैलिडेशन बनाएंगे और वैलिडेशन लगाएंगे तो आप सिर्फ उस वैलिडेट वैलिडेशन से ही नाम चूज कर सकते हैं, अदरवाइज अन्य जगहों से आप नाम चूज कर नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो वैलिडेशन लगाने के ये फायदे हो सकते हैं। अब ये वैलिडेशन लगाया कैसे मैंने, वैलिडेशन को लगाने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो मैं इस वैलिडेशन को हटा के दिखाता हूँ कि वैलिडेशन लगाने के बाद हटाते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये यहां से जा करके फिर आपको जाना है डेटा टाइप में। तो ये गूगल शीट है, एक्सेल में भी लगभग ऐसा ही काम होता है। तो ये हो गया, यहां पर देख सकते हैं कॉमा दे दे करके ये नाम मैंने लिखे हैं। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूं तो ये रिमूव वैलिडेशन पे जाऊंगा और ये पूरा का पूरा वैलिडेशन जो ड्रॉप डाउन बन रहा था वो हट चुका है, देख सकते हैं। अब मैंने इसे हटा दिया, लेकिन फिर वापिस से लगाना होगा तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, यहां पर जाएंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ये जो रो है नेम वाली उसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहां तक डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहीं तक ये ड्रॉप डाउन बनेगा, मतलब ये है, ठीक है। अगर आप पूरे में चाहते हैं तो पूरे में ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ डेटा टाइप पे चलते हैं। और डेटा टाइप पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन आ रहा है, तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम रखिएगा चूज, और यहां पर अब नाम दे दे करके लिखते जाइए कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो यहां पे नाम कुछ मैं लिख देता हूं, टाइप कर देता हूं, ठीक है, जिसके बाद हम इन नामों को यूज कर पाएंगे उसी ड्रॉप डाउन के अंतर्गत, ठीक है, आ रही बात समझ में। और यहां पर कुछ और नाम भी लिख देता हूं मैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए इतने ही नाम है हमारे पास, तो यहां पर अब सेव कर दीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहां पर वैलिडेशन भी जरूर दे दीजिएगा, जब ये सेव कीजिएगा तो शो वार्निंग तो दिया हुआ है, रिजेक्ट इनपुट कर दीजिएगा। आप रिजेक्ट इनपुट करके शो वैलिडेशन टेक्स्ट हेल्प, तो इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसके लिए तो ये लिख भी सकते हैं, जैसे एंटर ओनली या फिर चूज ओनली फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ये लिख दीजिए चूज ओनली फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ड्रॉप DROP डाउन, इस तरीके से आप लिख देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से सेव कर दीजिएगा, तो सेव कर देंगे तो बस हो गया काम। अब यहां से आप चूज कर पाएंगे, तो ये देखिए यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे नाम आएंगे, नाम चूज करेंगे चलेगा, लेकिन यहां पर आप खुद से टाइप नहीं कर सकते, समझ रहे बात को। ये तो मैंने सेम नाम दे दिया, यहां पर कुछ और देता हूं, जैसे मान लीजिए RINKU रिंग को लिखा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, चूज ओनली फ्रॉम ड्रॉप डाउन, जो हमने दिया था वैलिडेशन टेक्स्ट वही लिख करके आएगा। तो ये ड्रॉप डाउन, आई होप कि समझ में आई होगी बात। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।